नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। और ये वीडियो बेसिकली इस पूरे चैनल का सबसे पहली वीडियो होने वाली है या कहो पहला ब्लॉग होने वाला है। और हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा में, जो कि जम्मू में पड़ता है। और ये ट्रेन जर्नी ब्लॉग होने वाला है बेसिकली। सब देख सकते हो पीछे ट्रेन जा रही है खजुराहो की तरफ और हम ट्रैवल कर रहे हैं उत्तर संपर्क क्रांति से। और मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा, मेरे दोस्त भी ट्रैवल कर रहे हैं मेरे साथ। ये मेरा भाई, ये श्लोक, ये हैप्पी। तो हम सब ट्रैवल करने वाले हैं साथ में। और ये वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया है, किसी भी रीज़न से इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, तो पूरी ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे गुड्डे ले ले, बर्बन से अच्छा गुड्डे ज़्यादा है। ये ले ले बटानिया का मिल्की बिस्किट। चुप रहा चुप रहा चुप रहा, हो गया, क्रीम वाला आएगा, मजा आ जाएगा। अरे चुप रहा चुप रहा। ये देखो सुलह हो गया इन दोनों के बीच, कुत्ते और बंदरों के बीच में सब खेल रहे हैं साथ में। ये चीज बड़ी अच्छी लगी देख के, कैसे खेल रहे हैं। ट्रेन के अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है। और टाइम अभी हो रहे हैं 8:20 हो रहे हैं अभी। और अभी टाइम है 8:50, हमारी ट्रेन निकलेगी। और इंटीरियर आपको दिखाता हूँ ट्रेन का, ट्रेन का इंटीरियर बहुत बढ़िया। तो ऐसा इंटीरियर है कुछ इस ट्रेन का। ये सामने शीशा है, ये यहाँ पे स्विचेस हैं, चार्जिंग केबल है, पॉइंट्स हैं यहाँ पे, हमारी सीट नंबर है। और यहाँ पे बहुत बढ़िया है। यहाँ पे श्लोक कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? और ये पैरेलल रेस हो रही है हमारी, शायद शेड में जा रही है। अभी टाइम हो रहा है 12:15 और हमारा डिपार्चर हो रहा है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। और इस वक्त मैं व्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि सब लोग सो रहे हैं हमारे कोच में और मैं नहीं चाहता किसी को भी दिक्कत हो हमारी वजह से, तो इसलिए अब हम भी सोने ही जा रहे थे इस टाइम पर। तो सामने से एक और ट्रेन आ गई है, तो देखो रात बहुत हो गई है, तो अब सीधा मिलते हैं सुबह जम्मू रेलवे स्टेशन पर। तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई और अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए और हम जम्मू तभी पहुंच गए अपने स्टेशन। अभी 2 घंटा रहेगा हमें कटरा तक पहुंचने में। और अब तक की जर्नी स्मूथ रही है, रात की जर्नी तो आपको रात कुछ दिखा नहीं पाया मैं, सॉरी इसके लिए। और अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। अगर जैसे अभी सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, एक्चुअली सनराइज़ अभी होने में टाइम है शायद थोड़ा बहुत, तो जैसा जैसा देखेंगे आपको दिखाऊंगा आपको, मतलब अभी कटरा पहुँचेंगे वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहो। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ही हमने चाय ली जो कि ठीक ठाक थी, पैसों में भी ठीक ठाक थी, मतलब पीने लायक थी। और ये जम्मू से अर्ली मॉर्निंग शॉट्स, सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे। सामने ट्रेन खड़ी है कोई, पता नहीं कौन सी,
और पीछे एक इंजन है जो शायद इसमें लगने वाला है। हाँ मे बी यही इसको आगे लेके जाएगा। शंट हो रहा है शायद, मे बी कपलिंग हो रही है, सॉरी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्टेशन लग रहा है, क्या जो व्यू है। और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। टाइम बढ़ते जा रहा है, अभी जम्मू पे ही है, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है। जितना डिपार्चर होना चाहिए था उतने पे तो नहीं निकल पा रही, भी वेट हो रहा है। और श्लोक गेट पे खड़ा है। श्लोक पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है। यानी श्लोक बंदर कर दो। हमारा डिपार्चर हो गया जम्मू तभी से, एक नंबर प्लेटफॉर्म से। देख 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 रही है उस ब्रिज पे जा रहे हैं हम। ओह ये है, बहुत तीखा कर्व है भाई। बहुत तीखा कर्व है भाई। अपनी ट्रेन आ गई। हाँ इतनी लंबी ट्रेन हमारी। हाँ हम पीछे है ना बहुत। ब्रो स्लो हो गई ट्रेन यहाँ पे, बहुत गहरी है। कौन सी होगी रिवर? ये दूधर लिखा है। दूधर इतना क्लियर है, मिट्टी है, मिट्टी बस। ब्रदर वो पहाड़ बादल बर्फ है ना वो पीछे? हाँ पीछे पूरी बर्फ है पूरी। वो हाँ इधर येलो बता रहा था मैं, रामनगर से बता रहा था मैं कि ये जो बर्फ है तेरे को दिख रही है ये सुंदर है। वैसे हमारे उतरने कितने टाइम सुंदर करें? 9 बजे तो पहुंच ही जाएंगे। उधमपुर पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में इसका अराइवल। और एक मिनट ये देखो सब लोग उतर रहे हैं, पुलिस वाले भाई साहब भी हैं। यहाँ पे पहाड़ भी है बहुत सुंदर सुंदर, सब लोग उतर रहे हैं। ज़्यादातर लोग उतरते हैं वो डिफेंस वाले ही होते हैं। दिखाना पड़ो सर एक मिनट, बहुत सारे डिफेंस बैकग्राउंड के यहाँ से। हमारा डिपार्चर हो चुका है उधमपुर से, बारिश भी चालू हो गई थोड़ी थोड़ी।
व्यू देखो। पूरा शंकराचार्य मंदिर ऊपर अत कुआरी हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है लोग ट्रेन छोड़ने पर फाइनली पहुंच गए कटरा और बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का व्यू देखो एक बार आप जरा, एल्को जा रहा है और पीछे त्रिकुटा पर्वत, बहुत अच्छा लग रहा है। अतकुआरी भी यहीं से दिख रही है हमें यहाँ पे और बहुत अच्छा फील हो रहा है गाइस। सर्दियों में पहली बार आया हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और स्लो कैसा लग रहा है भाई साहब? भाई साहब मजा आ रहा है। व्यू कैसा लगा भाई साहब? एकदम थोड़ी उड़ रही है। ये पहली बार वैष्णो देवी आया है एक्चुअली, ट्रेन से पहली बार ट्रेन से भी आया, पहली बार ट्रेन में बैठा है तो उसके लिए अलग एक्सपीरियंस था, पहला एक्सपीरियंस था। हैप्पी कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जर्नी कैसी? बहुत बढ़िया। कैसी थी जर्नी? बस खाने की दिक्कत थी क्योंकि इसमें कोई पेंट्री कार्ड नहीं थी ना कोई ऑनबोर्ड कैटरिंग थी। लेके आए थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। पोहा लेकर आए थे तो बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत अच्छा व्यू। एक बार आप देखो इसको, पहाड़ों के बीच में एल्को जाती हुई, वो जो जा रही है एल्को, उसकी चगिंग की आवाज़ की हॉर्न की, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। होप करता हूँ ऊपर ही बर्फ पड़ी हो। तो अब मैं आपसे आगे मिलता हूँ होटल में, मैं भी होटल में अपना आगे अभी कोविड टेस्ट भी क्या नाम है दिखाना है, हमें अपना रिपोर्ट दिखानी है। और ये लाइन है अपनी अपनी कोविड की रिपोर्ट दिखाने के लिए। और यहाँ भी बहुत भीड़ थी, मतलब बहुत लंबी लाइन थी, तो यहाँ पर ही हमारा एक घंटा लग ही गया था। हम लोग होटल पहुँच चुके हैं गाइस, बहुत ढूंढना पड़ा, होटल मिल ही नहीं रहे थे सही प्राइस में। और हमें एक होटल मिला बढ़िया वाला, 1000 रुपये के अंडर मिली, हम 4 लोगों के लिए, डबल बेड, 3 बेड एक्चुअली, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड। और अभी लॉबी में बैठे हुए हैं, ऊपर वाला रूम चेकआउट हो रहा है, उसके बाद हम जाएंगे रूम में, आपको रूम दिखाऊंगा कैसा है। पहुंच गए हम लोग होटल फाइनली, बहुत घूमा बहुत ढूंढा, होटल फाइनली एक मिल गया। और ये भी एक टेम्प्रेरी रूम है, उसमें फाइनल रूम नहीं है, फाइनल रूम हमारा भी तैयार हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, तो हम थोड़ी देर बैठे हैं नहा धो के हम शिफ्ट करके हम निकल जाएंगे यात्रा के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है गाइस। पहला व्लॉग था, जितना सोचा था ज़्यादा बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।